और अब बात करते हैं मुरैना की, जहां लगातार हो रही शिकायतों के कारण चर्चाओं में चल रहे सुमावली थाना प्रभारी SI मनोज यादव ने शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। इस वीडियो ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि सुमावली थाना प्रभारी ने पूर्व मंत्री एंदल सिंह कंसाना और उनके बेटे बंकू कंसाना पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि मंत्री व उनका बेटा गलत कामों के लिए दबाव बनाते हैं, उनका कहा नहीं करता तो नौकरी से निकलवाने से लेकर दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देते हैं। उधर पूर्व मंत्री एंदल सिंह के पुत्र बंकू कंसाना ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए इसकी जल्द सच्चाई सभी के सामने लाने की बात कही है। गौरतलब है कि बीते एक महीने से सुमावली थाना प्रभारी के खिलाफ सुमावली क्षेत्र के कई लोग जबरन वसूली, झूठे केसों में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपए मांगने जैसी कई शिकायतें SP से कर चुके हैं। सुमावली थाना प्रभारी मनोज यादव ने यह वीडियो अपने कुछ नजदीकियों के अलावा मुरैना पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दिया। इसके बाद पुलिस महकमे में ऐसा हड़कंप मचा कि वरिष्ठ अफसरों ने सुमावली थाना प्रभारी को फोन लगाकर जमकर फटकारा। इसके बाद थाना प्रभारी मनोज यादव ने यह वीडियो व्हाट्सएप ग्रुपों से डिलीट कर दिया, लेकिन पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने यह वीडियो अपने दूसरे नंबरों पर पहले ही शेयर कर लिया था। ऐसे में इस वीडियो के पुलिसकर्मियों द्वारा ही वायरल होने का डर वरिष्ठ अफसरों को सताने लगा। नतीजा वानमोर SDOP दीपाली चंदोरिया ने विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखा कि किसी भी पुलिसकर्मी ने यह वीडियो किसी को शेयर किया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार साइबर सेल विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के व्हाट्सएप मैसेंजर पर नजर गड़ाए बैठ गई हैं। मैं उपनिरीक्षक मनोज यादव, थाना प्रभारी सुमावली, अपने पूर्ण होश आवास में ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं फरवरी माह से थाना प्रभारी सुमावली के पद पर पदस्थ हूँ। तब से अभी तक लगातार पूर्व मंत्री एंदल सिंह कंसाना व उनका लड़का बंकू दबाव डालते हैं व गलत कार्य करवाने के लिए लगातार दबाव बनाते रहते हैं, और नहीं तो नौकरी लेने व सस्पेंड करने व किसी 30-70 जैसे केस में फंसाने की धमकी देते रहते हैं। मैं उनसे बहुत दुखी हो चुका हूँ। राम निवास शर्मा जो BJP का नेता ग्वालियर का है, उसका एक डंपर हमने कुछ महीने पहले बिना रॉयल्टी के जब किया था, उसने भी तब मुझे फोन पर काफ़ी धमकी दी थी और मेरी नौकरी लेने की धमकी दी थी। एंदल सिंह कंसाना ने भी मुझे धमकी दी थी, सस्पेंड कराने की धमकी दी थी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का भी फोन आया था, तो उसको हमने सारी बार बता दी थी कि सर बिना रॉयल्टी का है, उसका हमने मुकदमा बंद कर दिया है। राम निवास शर्मा BJP का नेता जो शायद उसके ऊपर ग्वालियर में 30-70